उसको जो है कल्टीवेटर ले जाएगा कि मैं जिस पार्ट का यूज किया था उस पार्ट को जो मास्टरपीस होगी मास्टरपीस को लेके आओ उसको बना। Hey guys, this is Tushar and welcome to my channel which name is Vlog Slog। तो दोस्तों शायद ये चैनल का सबसे पहला वीडियो, क्योंकि वीडियो तो मैंने और भी बहुत सारे बनाए हैं बट उनको अपलोड करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि वीडियो मीन्स बहुत ही ज्यादा बेकार बने हैं, मीन्स इतना मजा नहीं आ रहा यार, क्योंकि शुरुआत है तो शायद वो फील नहीं आ पा रहा। तो उस चक्कर से मैं क्या सोच रहा हूँ वीडियो को अपलोड करूँ या नहीं, बट देखते हैं फ्यूचर में अपलोड करता हूँ या नहीं। बट अभी बेसिकली मुझे लगता है ये सबसे पहला वीडियो होगा चैनल का यहाँ पे। तो सबसे पहले बता देता हूँ, कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि चैनल किस चीज के ऊपर रहने वाला है। तो यहाँ पे चैनल का नाम जैसे आपको पता है कि ब्लॉग स्लॉग है। ब्लॉग मैंने आप सबको पता होगा कि ब्लॉग मैंने एक्चुअली में क्या होता है, ब्लॉग वो होता है जिसमें हम लोग जो है अपनी एक लाइफस्टाइल शो करते हैं, जहां पे हम लोग अगर किसी को ट्रैवलिंग करने का शौक होता है तो वो अपने ट्रैवलिंग का जर्नी शेयर करता है, जो भी एक्सपीरियंस होता है वो सारा आप लोगों से शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो है बहुत ज्यादा घूमने का शौक है, क्योंकि उत्तराखंड का रहने वाला तो यहाँ पे पहाड़ बहुत सारे, तो जगह जगह पहाड़ों में जाता रहता हूँ। तो जो भी वहां का एक्सपीरियंस होगा, जो भी जर्नी का एक्सपीरियंस होगा वो आप लोगों से शेयर करता रहूंगा और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह आप लोगों को ले जाने वाला हूं कि शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और मैंने भी नहीं देखी, क्योंकि मेरा भी पहला फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। क्योंकि कुछ जगह ऐसी है जहां पर लोग जाने में डरते हैं, बट अपना प्लान है कि यार वहां पर जाना है और फन करना है, पूरा वीडियो बना के आना, तो ये सारे प्लान है। बट अभी बेसिकली बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है स्लॉग मीन्स क्या है। स्लॉग मीन्स यहाँ पे है कुछ भी, जैसे कि हम लोग बोलते हैं किसी को ऐ वहीं, जैसे कोई घर में आता है हम उसको बोलते हैं चाय शाय पी के जाओ, जैसे हम उसको बोलते हैं यार पानी वानी कुछ तो लीजिए, तो वैसे यार मैंने सोचा क्यों ना अपने चैनल का नाम कुछ भी रख देता हूँ, जैसे कि ब्लॉग स्लॉग। तो यहाँ पे स्लॉग मीन्स बेसिकली है कुछ भी मानी कुछ भी। तो कुछ भी मैं यहाँ पे जो है मैं एक्चुअली मैं करने के बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ पर्टिकुलर होगी, जो मैंने मीन्स कुछ भी रिव्यू आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, कुछ पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट मैंने यूज़ करा होगा और वो मुझे खराब लगा अच्छा लगा कुछ भी लगा होगा, तो वो जेन्युइन चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे स्लॉग का हम कुछ डेफिनेशन ही कुछ और करने वाले हैं, बेसिकली गूगल में कुछ और मतलब होगा स्लॉग का, आप लोग सर्च मारोगे तो कुछ और मीनिंग होगा, बट अपने को उससे कुछ नहीं लेना, हम तो अपनी तरफ से जो मन करेगा वो बना देंगे। तो यहाँ पे मैं वो हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, जो नीचे टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे जो है आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसकी मैं ढंग से बोल रहा हूँ, बिल्कुल लगाने वाला हूँ, अभी बिल्कुल ढंग से धज्जियाँ उड़ा दूंगा, क्योंकि इसे पर्सनली मैंने यूज़ करा है। तो बताता हूँ कि ऐसा क्या एक्सपीरियंस मेरे साथ इस बाइक के साथ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी को लेकर, तो कंपनी का नाम जो है यहाँ पर यूनाइटेड मोटर्स है, तो यूएम नाम से ज़्यादातर इंडिया में जानी जाती है, तो यूएम इसका नाम बेसिकली यूनाइटेड मोटर है। तो कंपनी बताते हैं यहाँ इंडिया में जो बाइक लेकर आई थी वो आई थी 2016 में किसी इवेंट के जरिए लॉन्च करी थी, बाकी वर्ल्ड वाइड ये कभी भी आई हो मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है, अपने को तो आपके इंडिया की जितनी भी नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो यहाँ पे इंडिया में 2016 में आई थी और जब ये मार्केट में आई थी तो इस तरह कुछ ऐसा हिसाब था कि पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, मेरे से कुछ टाइप का कुछ ऐसा ही था कि मेरे दिमाग में बिल्कुल पहली बार जब मैंने इसको देखा तो बिल्कुल ये आई कची बाइक थी। और यहाँ पे लोग जो है इस बाइक का डायरेक्ट कंपेयर कर रहे थे हार्ले डेविडसन से, बोल रहे थे यहाँ पे कि ये फुल क्रूज बाइक है, तो वही फील देने वाली जो वहाँ उस बाइक में मिल रहा है और बहुत सस्ती है। तो कुछ इस तरीके से मेरा भी दिमाग बिल्कुल डाइवर्ट हो गया था और पहली बार जब मैंने टेस्ट ड्राइव लिया तो यार मजा आ गया था, मजा मेरे साथ ही इतने दोस्तों ने सबने टेस्ट ड्राइव में बोला ये गाड़ी ये गाड़ी यही वाली थी ये गाड़ी, तो ऐसा कुछ सीन यहाँ पे हो चुका था। तो फिर क्या होना था, करा दी फिर ये मैंने गाड़ी बुक, जो शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जी हाँ, मुझे ये गाड़ी बुक नहीं करानी चाहिए थी बट मैंने ये करा दी। और पता है इसकी डिलीवरी डेट कौन सी थी, ये मुझे कौन सी डेट को मिली, बहुत ही बेहतरीन दिन को मिली थी ये मुझे बाइक। जी हाँ, ये मिली थी मुझे 7 फरवरी यानी कि 7 फरवरी रोज डे 7 फरवरी 2017 को मुझे गाड़ी मिली थी। मुझे याद इसलिए है क्योंकि ये रोज डे वाले दिन मिली थी, अगर होता कोई और दिन तो भूल जाता मैं, जो अगली बाइक मैंने ली है ना उसके बारे में बताऊंगा, उसकी डेट मुझे नहीं पता कब ली, बट इस बाइक की डेट मुझे याद है। कार की भी डेट मुझे याद नहीं मैंने कार कब ली थी, बट इस बाइक की डेट मुझे याद है क्योंकि मैंने ये 7 फरवरी को ली थी, तो इसलिए मुझे ये याद है। तो यहाँ पे अब ले तो ली है मैंने बाइक, और शुरुआत में जो है मैं शुरुआत में बता दूँ कि मतलब बाइक जैसी मैंने बाहर निकाली तो इसमें जो मिसिंग की बहुत दिक्कत हो रही थी, गाड़ी खड़क करके बंद हो जा रही थी, तो कंपनी वाले ने बोला कि इंजन इसका ठंडा पड़ा हुआ है, मीन्स नई बाइक में ये लोग बोलते हैं कि इंजन ठंडा पड़ा हुआ है, और स्टार्टिंग में ही जो दिक्कत आती थी कि मिसिंग की, तो वो चलो मैंने कहा चलो छोड़ो, मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट आया कि हाँ यार बहुत क्रूज वाली बाइक आ रही है हमारे पास, तो मैंने भी उठा के ले ली और फटाफट से जो है ले गया, और तेल तो मैंने नाके बराबर दे रखा था, थोड़ी सी आगे जाके बंद होगी गाड़ी यार, अब कम से कम यार 2 लाख रुपए की गाड़ी ली है तुमसे, तेल तो कम से कम 2 लीटर दे दो उसकी, चलो छोड़ो, चलो बगल में जाके धक्के धुक्के मार के स्टार्टिंग में जो है तेल भरवाया, अभी तेल भरवा दिया, तो भाई खुशी खुशी हो रही थी, हर कोई रास्ते में जा रहे थे पूछने में लगा था अरे यार बाइक कौन सी बहुत बढ़िया लग रही तुम्हारी बाइक, बहुत बढ़िया, अपने को भी चौड़ वाली फीलिंग आ रही थी यार, बिल्कुल मजा आ रहा था, लोग पूछ रहे इससे बढ़िया लगती जो सकती है यहाँ पे बाइक कौन सी है।
तो स्टार्टिंग तो कुछ इस तरीके से थी, हम भी जो है अपनी कुछ छोटी मोटी जो गलतियां हो रही थी बाइक को हम उसको इग्नोर कर रहे थे, हाँ बाइक अच्छी है बाइक अच्छी है बाइक अच्छी है, मोहल्ले में जाओ तो तारीफ में आएंगे, कहीं परिवार में चले जाओ तो हर कोई बाइक की तरफ देखता था, तो इस तरीके से फील अपने को आने लगी थी और बाइक बहुत जबरदस्त लोगों की नजर में आ चुकी थी, अपने को भी जो है जबरदस्त लगने लगी। बट धीरे 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 करके मैंने देखा यार कि बाइक उस लेवल की नहीं है जितने उसका प्राइस रखा गया उस लेवल की बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई बंदा पकड़ करके लगा हुआ है बाइक तो दिखाने ना, तो दोस्तों पहले बता दूं कि बाइक मेरे पास यहाँ पे नहीं है क्योंकि बाइक ऑलरेडी मैं बेच चुका हूँ। बट मैं आपको फोटोज वगैरह कुछ छोटे मोटे वीडियोज की क्लिप्स हैं वो आपको दिखा दूंगा कभी बीच में वीडियो के, तो वो सारी चीज आपको दिखाता रहूंगा, और साथ ही साथ आपको ये ना लगे कहीं ये बाइक मेरी नहीं है और मैं खालतू का वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए अपनी आरसी की भी जो फोटो आपको दिखा दूंगा और कुछ फोटोज अगर मेरी पड़ी होंगी। एक्चुअली मैंने वीडियो वगैरह बनाया था बट वो डेटा जो है ना डिलीट हो गया क्योंकि बहुत पहले बनाया था और उसके बाद वो जो है डेटा पूरा डिलीट हो चुका है, बट जो कुछ भी मेरे पास क्लिप्स वगैरह पड़ी होगी वो तो डेफिनेटली आपको दिखाने ही वाला हूँ। तो अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मैंने वो बाइक छोड़ी क्यों है जब इतनी मस्त बाइक थी। तो होता ऐसा था दोस्तों कि जैसे जो मिसिंग वाली मैंने दिक्कत आपको सबसे पहले बताई थी वो बहुत ज्यादा आती थी यार। अभी ऐसा था कि यूएम का जो अपना देहरादून का था वहाँ पे एक उन्होंने ग्रुप बना रखा था, तो जितने भी स्टार्टिंग के बंदे थे मीन्स मान लो 50 बाइक के निकली होगी पहले स्टॉक में, जितने भी निकले होंगे तो लगभग 50 के आसपास उस ग्रुप में लोग थे, तो 50 में से लगभग मान लो 50 में नहीं बोले 40 लोगों के साथ सेम दिक्कत थी यार। मिसिंग मतलब ऐसे होता था चलते घटक बंद कहीं पर तुम चल रहे हो हाई स्पीड में होंगे तो बिल्कुल बंद हो जाती है झटके में। अरे यार ये दिक्कत है किस चीज की, कंपनी को 10 बार बोलते हैं कंपनी वाले बोलते हैं ऐसा है वैसा है ये है वो है वो है, आप इसको ऐसा करा करो चौक में स्टार्ट करा करो मत है क्या अरे झंडपंती हर गाड़ी को सुबह सुबह डेली के चौक में स्टार्ट करेंगे, एक तो किक नहीं बाइक में ऊपर से तुमने सेल्फ दे रखा और सेल्फ में भी तुम बोलो कि इसको चौक में स्टार्ट करो, अब और बोलते हैं सुबह से 5 मिनट तक पहले इसको गाड़ी को स्टार्ट करके खुला छोड़ दो, पागल हो क्या बेवकूफ समझा हमको, मतलब झंडपंती की बात होती है। चलो ठीक है शुरुआत हमने वो भी करा स्टार्टिंग में करो बट फिर भी दिक्कत तो चलती थी, हम कहीं भी निकल जाते थे तो भाई गाड़ी जो खटक बंद तो बंद पे बंद सर्विस में देने जाओ तो मीन्स वो लोग बोलते थे हाँ हम इस बार ठीक कर देंगे, आरपीएम बढ़ाने से क्या होगा मिसिंग की दिक्कत थोड़ी ना चली जाएगी, मिसिंग तो फिर भी मार रही गाड़ी तुम कर नहीं मिलेगा छठा गाने भाई लोगों पहले बता दो बाइक की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो भी छोटी मोटी नॉलेज मिली हो उसी बाइक के जरिए मिली है जब उस गाड़ी ने इतनी दिक्कत मारी, तो इतना कोई एक्सपर्ट नहीं है कि मैं बिल्कुल बेसिक टर्म से शायद कभी कुछ नॉर्मल सी चीज़ बोल दूँ गलत भी निकल जाए तो उसके लिए माफ करना, मैं एक्चुअली एक जेन्युइन रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि शायद आप में से कोई प्लान कर रहा हो इस बाइक को खरीदने की तो कुछ बातें आपको बताऊँ इस बाइक के बारे में। तो ये सारी दिक्कत तो चलती रही, तो अभी बात कर लेते हैं मेन चीज़ की कि मैंने क्यों बेची बाइक। अभी सबसे पहले इसकी कुछ पुअर क्वालिटी का बताऊँ, ये जो बाइक है ना यार एक डब्बा बाइक है, डब्बा जितना भी प्रोडक्ट मटेरियल जो भी यूज़ करा गया है बहुत ही चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करा गया है, चाइनीज़ प्रोडक्ट है यार ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट, इसकी सच्चाई जो मैं आपको दिखाऊंगा एक चाइनीज़ कंपनी है वहाँ पे ये जो बाइक मिलती है वहाँ और किस रेट में मिलती है ये भी आपको वीडियो में दिखा दूंगा, तो सारी पोल मैं खोलने वाला हूँ इस कंपनी की और बहुत ही बेकार इसके मटेरियल है, इसके जो नट बोल्ट है ना वो बिल्कुल लेते साथ ही 10 दिन बाद जो उनमें समय जंग लग चुका था, मतलब कोई भी इसका प्रोडक्ट था हर चीज़ जो है कभी इसका इंडिकेटर इतना कच्चा कि ठड़क करके टूट जाता था, कभी जो चेन के ऊपर के गार्ड होता है वो खट खट टक टक आवाज़ मारता रहता था, मीन्स कोई भी चीज़ इसकी ढंग की नहीं थी, हर चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा घटिया थी यार, ब्रेक से लेकर हर एक चीज़ जो इसकी घटिया थी। हाँ मैं एक बोलूँगा जो इसकी गद्दी थी आगे की बैठने वाली वो सिलिकॉन से भरी हुई थी, बोलते ऐसा थे तो मीन्स वो फिर भी ठीक लगती थी, पीछे वाले तो बेकार है बट आगे वाले के लिए फिर भी ठीक है, हैंडलिंग इसकी अच्छी थी बाइक की, मैं बोलूँगा हैंडलिंग इस बाइक की अच्छी थी, बट जो दूसरी चीज़ आती है कि लोग बोलते हैं कि यार यहाँ पे क्रूज बाइक की हैंडलिंग जो कट्स जो हम लेते हैं उसमें वो थोड़े लंबे ही कटते हैं, यार हमने हार्ले वगैरह भी चलाई है तो उसमें कभी इतनी दिक्कत नहीं आती, उनके कट्स जो हैं बहुत अच्छे हैं बट यहाँ पे इस बाइक के जो कट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार हैं यार, बिल्कुल यू टर्न लेना होगा तो बहुत लंबा आगे जाते मुड़ के आना पड़ता है, तो वो चीज़ अपनी जो इस बाइक के साथ होती रहती थी, ये तो दिक्कत चलो छोड़ो इस चीज़ को तो इग्नोर करा जाए यार ये चीज़ चलो होती रहती है, बट मेन चीज जो आ जाती थी वो चीज मटीरियल एक जो सस्पेंशन थे बहुत ज्यादा बेकार, खत्म सस्पेंशन गड्ढे में अगर चले जाओगे ना तो पता चल जाएगा तुम्हारे उसको भी कि भाई जी तुम गड्ढे में बुड़म तो बिल्कुल हर चीज फील जाती है, ये गाड़ी लद्दाख लैंड लायक बिल्कुल नहीं, लोग लेके गए होंगे डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलता नहीं लेके गए बट ये गाड़ी नहीं है लद्दाख लैंड लायक, और लद्दाख ले जाने से पहले ही मैंने इस गाड़ी को बेच दिया था क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये गाड़ी मैं लद्दाख लेके जाऊंगा ना वहां से आना मेरा मुश्किल ही है भाई, वहाँ से फिर मैं वापस नहीं आ पाऊंगा तो ऐसे कुछ हो जाता है, सस्पेंशन बहुत ज़्यादा बेकार है यहाँ पे इस गाड़ी के, तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, हैंडलिंग भी बिल्कुल मतलब हैंडलिंग आपको ठीक लगेगी बट जो कट्स जो उसमें पड़ मिलते हैं वो मोड़ वगैरह जो बिल्कुल
इतने अच्छे नहीं है, और ऐसा लगता है जो डिजाइन बनाया गया बिल्कुल अजीब तरीके से बनाया गया, और जो यहाँ पे टीम बैठी हुई है ना सही करने की, उनको खुद को कुछ पता नहीं होता कि यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है यार, हो क्या रहा है। हर जो मतलब ना इनकी मेरे ख्याल से सर्विस 1,000, 3,000, 6,000 ऐसे करके कुछ है, हर बार इंजन ऑयल चेंज करते हैं, जबकि कोई भी गाड़ी में आप लोग इंजन ऑयल इतने रेगुलर चेंज नहीं करते, बट यहाँ पे जो ये कंपनी वाले इंजन ऑयल जरूर चेंज करेंगे, और अपनी ही कंपनी का डालना है, दूसरी कंपनी का नहीं डालना है। बाइक तो तुम्हारी कोई खरीद नहीं रहा, तुम इंजन ऑयल डलवा लो तो चलो छोड़ो यार वो भी कराओ, बट गाड़ी तो कम से कम ढंग की दो यार, गाड़ी तो कम से कम ढंग की दो। मैं जब जाता था वहाँ पे शोरूम में तो 10 लोग आ रहे थे, 10 के 10 वहाँ पे गालियाँ बकरे होते थे, बोलते यार झंड गाड़ी तुमने हमको पकड़ा दी, किसी की गाड़ी में हीटिंग इशू चल रहा, किसी गाड़ी में कुछ चल रहा, किसी गाड़ी में बिल्कुल, एक की तो मैंने देखी उसकी गाड़ी तो स्टार्ट होती थी ना मतलब उसको हाथ लगा के देखा था उसके बाद बिल्कुल इतनी ज्यादा गर्म हो जाती थी, पता नहीं यार मतलब क्या बनाया तुमने यार, किसी के इंजन में दिक्कत चल रही, किसी के कुछ दिक्कत चल रही, किसी गियर बॉक्स चल रहा खराब, मतलब दिक्कत ही दिक्कत है टोटल ए टू जेड। अभी क्या हो जाता है कि एक दिन मैं रास्ते में चल रहा था अपने फ्रेंड के साथ, तो गाड़ी चला रहा होता तो अचानक से गियर बॉक्स से आवाज आती है खड़ गाड़ी रुक जाती है बिल्कुल एकदम से, क्या हुआ? तो मैंने तो पीछे करा, वो चला रहा था बेसिक गाड़ी, तो मैं आया और मैंने गाड़ी चलानी शुरू करी, तो मैं थोड़ी सी आगे जैसे गया तो वहाँ पे गाड़ी खड़ फिर से बिल्कुल जाम, बिल्कुल खड़ी हो गई गाड़ी, पीछे से ट्रक आ रहा था बहुत स्पीड से, और बिल्कुल किस्मत थी कि जो बच गए बिल्कुल कुछ सेकंड से हम लोग बचे, क्योंकि ट्रक की स्पीड में था और हाईवे वाली रोड थी और हमारी गाड़ी बहुत रुक गई और वहाँ से बिल्कुल ट्रक वाले रोक दी, वो किस्मत अच्छी रही वरना हो चुका था सफाया। उस टाइम मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई, कंपनी को कॉल लगाया अपनी बाइक लेना और नहीं आए, मुझे धक्के मार मार के, वो तो अच्छा है किस्मत ये थी कि मीन्स पास में जो था सर्विस सेंटर थोड़ी सी दूर जाके था वहाँ पे, तो हम लोग जो धक्का मार मार के उस बाइक को लेके गए वहाँ पे, और बाइक को ले जाने के बाद क्या होना था उनको बताया, तो भाई साहब बोलते हैं कि मैं उसको वीडियो दिखाऊंगा अभी, तो भाई साहब बोलते हैं कि इसका इंजन खराब हो चुका है। अरे भाई बाइक को अभी लिए हुए 1.5 से 2 महीने हुए हैं और इसका इंजन भी खराब हो चुका है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, मीन 1.5 से 2 महीने बाइक आई भी उसका इंजन भी चेंज कर देना नई गाड़ी का, मतलब हद होती है यार, मीन्स यहाँ पे गाड़ियाँ 10-10 साल चल जाती एक इंजन में और यहाँ पे इन्होंने 2 महीने में इंजन चेंज कर दिया। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये मेरी गाड़ी के साथ ही हो रहा होगा, तो अपना जो ग्रुप है उसकी भी कुछ चैट दिखाऊंगा, ये दिक्कत हर किसी के साथ थी, किसी के कुछ खराब हो रहा, किसी का कुछ खराब हो रहा, किसी का कुछ खराब हो रहा, टोटली हर चीज़ खराब पे खराब होने में लगी हुई थी हर किसी के। इंजन यहाँ पे अगर मैं मानूँ तो मीन्स मान मेजर बताता हूँ, अगर यहाँ पे जो है 25 लोगों ने गाड़ी ली हुई तो उसमें से यहाँ पे 15 से 16 लोग इंजन चेंज करा चुके थे, तो समझ जाओ यार ऐसी गाड़ी कैसी है कि मतलब हर बंदा के इंजन चेंज करवाने लगा हुआ। इंजन में दिक्कत नहीं, पूरी गाड़ी में ही दिक्कत है, गाड़ी एक नंबर की कबाड़ा गाड़ी है, झंड गाड़ी झंड, आप लोग ना उस गाड़ी को बहुत ज़्यादा पछताओगे। अगर बहुत सारे को लग रहा होगा यहाँ पे भयंकर की फालतू की बातें कर रहा है, शायद किसी के लिए अच्छी भी रही होगी गाड़ी, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है आगे भी आपको काफ़ी सारे क्लिप्स दिखाने वाला हूँ, आप उसको देख के समझ जाओगे कि मैं बेसिकली क्या कहना चाहता हूँ, क्यों ये गाड़ी खराब है, टोटली ये गाड़ी खराब है, बहुत ज़्यादा पछताओगे अगर आप इस गाड़ी को लोगे। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने शेयर करा, शायद आप में से बहुत सारे को बुरी लगी हो, जिसने ये भी जिसने बाइक ली होगी उसको शायद बुरा भी लगा हो कि यार क्या फालतू की बातें कर रहा है, कमेंट में पक ना हो जो पक लेना यार, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है जो मैं कहना चाहता था वो मैं कह चुका, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था बातें मैंने कर दी, बाकी आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर देना, कमेंट करके गाली बकनी हो तो बक देना, और कुछ अच्छी बातें करनी होगी तो कर देना, मेरे को कोई मतलब नहीं, कुछ को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो गाइस ये तब की फोटो है जब मैं जस्ट अपने बाइक जो है घर में ले गया था, उसके अगले दिन जो है मैंने थोड़ा सा घर के बाहर फोटोशूट वगैरह करा था, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल गाड़ी कितनी मस्त दिख रही है, बहुत नई है अभी, इसमें नंबर प्लेट भी नहीं है और गाड़ी ओवरऑल बहुत क्रूज बाइक लगती थी यार पूरी। तो आगे भी मैं आपको नंबर प्लेट नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि बाइक मैंने ऑलरेडी किसी को बेच दी है, तो यार कुछ प्राइवेसी की वजह से जो है मैं आपको यहाँ पे नंबर प्लेट नहीं दिखा सकता। तो अब जो है मैं आपको RC दिखाता हूँ जहाँ पे कि मेरा प्रॉपर नाम तुषार पेटवाल लिखा है और बाकी की डिटेल्स जो आपको उसमें दिख जाएगी, आप पॉज करके जूम करके जो उसको प्रॉपरली देख सकते हो। चलो आगे अब आपके इसकी मेन जगह लेके चलता हूँ। तो ये वो टाइम है जब मैंने बोला था आपको मेरा इंजन खराब हो चुका था, आवाज़ कर रहा था और गाड़ी बिल्कुल रुक गई थी, तो मैं सर्विस सेंटर लेके गया था, तो वहाँ पे अभी ये लोग जो इंजन को खोल रहे हैं, तो फटाफट स्पीड में बढ़ाता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा है, अगर आपको चाहिए होगा पूरा वीडियो तो आप मेरे को मांग सकते हैं और मैं आपको डायरेक्टली आपके साथ गूगल ड्राइव में शेयर कर दूंगा। तो ये इस तरीके से ताकि इनको बेसिकली खुद भी नहीं पता था कि एक्चुअली में इंजन में क्या दिक्कत है, इन्होंने फटाफट इंजन खोला और बोला कि इंजन खराब है, हम लोग जो इंजन को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे अभी 1.5 से 2 महीने हुए और इंजन यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी बेकार ये गाड़ी होगी, तो ये पूरा इंजन खुल चुका है। अभी मैं आपको इस गाड़ी की एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो शायद आपको नहीं पता होगी और ये शायद आपको पहली बार पता चलने वाली है, तो मैं आपको एक वेबसाइट में लेके चलता हूँ। ये एक वेबसाइट है, चाइनीज वेबसाइट, इसका नाम है चोइंग एक्सक्रॉस मोटरसाइकिल को लिमिटेड। तो यहाँ पे आप जो बाइक देख सकते हैं बिल्कुल कमांडो की तरह ही दिखती है। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा है कि ये एक चाइनीज कंपनी है,
और यूनाइटेड मोटर्स जो है ये बाइक कमांडो जो है अपने आप से नहीं बनाता है, ये बेसिकली इंपोर्ट करता है यहाँ से, ये जो इस चाइनीज कंपनी से यहाँ से इंपोर्ट करवाता है। इनके बाइक जो आपको यहाँ पे alibaba.com में देखने को मिल जाएगी। alibaba.com के बारे में बता दूँ, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, चाइना में बहुत पॉपुलर है और वर्ल्ड वाइड भी जो इसकी सर्विस अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये जो है बाइक जो है बेसिकली मिलती है, लुक देखोगे बिल्कुल डिट्टो वही है। और इसकी हकीकत भी ये है कि ये बेसिकली जो UM है वो वहाँ से बाइक इंपोर्ट कराती है, खुद नहीं बनाती है, थोड़े बहुत चेंजेस करवाती है बाइक में और उसके बाद जो है अपना ब्रांडिंग मीन्स अपना नाम यूनाइटेड मोटर्स जो है इसमें लगवाती है और उसके बाद जो इसको अदर कंट्रीज में जो यहाँ पे बेचती है, हमारे इंडिया में भी इस तरीके से ये बाइक आती है, तो बेसिकली वहाँ से इंपोर्ट होती है, अपनी ब्रांडिंग करवाती है बाइक में और उसको फिर महंगे रेट में बेचती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये $720 की मिल जाती है आपको बाइक यहाँ पे अलीबाबा में, $720 यानी कि लगभग 47,000 के अराउंड, अगर अभी का रेट देखें तो 47,000 की बाइक है और हमको यहाँ पे मिलती है 2,00,000 रुपये की। तो कितना ज़्यादा ये कंपनी हमको लूट रही है। इवन आप भी यहाँ से मीन्स अपना आपको बल्क ऑर्डर में आप यहाँ से बाइक मंगा सकते हो, अपनी एक फॉर्म रजिस्टर करानी है और उसके बाद अपनी ब्रांडिंग देनी इस बाइक में और इजीली आप भी बेच सकते हो इस बाइक को। तो कंपनी हमको किस तरीके से लूट रही है आप देख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल बाइक जो सेम है। इसके नीचे आपको और मॉडल्स भी दिखाऊंगा, तो लगभग जो है पूरे जो यूनाइटेड मोटर्स की जितनी भी बाइक है उन जैसे ही बिल्कुल दिखते हैं। कंपनी थोड़े बहुत चेंजेस करवाती है, कुछ मॉडिफिकेशन दिखाती है जिससे कि बिल्कुल सेम ना लगे इस बाइक की तरह, थोड़े बहुत चेंजेस आपको बाइक में दिखेंगे बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो नॉर्मली ये इसी बाइक की तरह दिखती है। ये देखिए आप नीचे कुछ बाइक्स के मॉडल है, तो यहाँ पे सारे जो हैं इस जगह के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए आप जा सकते हैं और खोल सकते हैं, आप खुद देखेंगे कि बिल्कुल ये बाइक सेम वैसी दिखती है और वहीं से ये बेसिकली इंपोर्ट करी जाती है। ये सारी जो हकीकत मैंने आपको बता दी है कि बाइक बेसिकली आती कहाँ से है। तो अभी जो है मैं आपको एक चैट की ओर लेकर चलता हूँ, जो मैंने बताया था UM Renegade का हमारा एक चैट का ग्रुप भी था जो अब बंद हो चुका है, बट जब था तो उसकी कुछ चैट जो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप चैट में पढ़ोगे तो हर कोई यहाँ पे बात जो कर रहा है, हर किसी की गाड़ी में यहाँ पे दिक्कत चल रही है क्वालिटी को लेकर, किसी का कुछ दिक्कत चल रही है, कहीं पर टायर बबलिंग मार रहा है, कोई बोला डिजाइन बहुत थोड़ा अजीब सा है, कहीं पर कुछ बातें चल रही है, मीन्स हर कोई जो है यहाँ पे बात ही कर रहा है कि उसकी गाड़ी में ये दिक्कत चल रही है, वो दिक्कत चल रही है। और यहाँ पे कुछ एक बारी का सीन मैं भी पढ़ रहा था, यहाँ पे कुछ ऐसा भी बना था सीन कि चलो भाई सारे के सारे मिलके जाते हैं और वहाँ पे कुछ हंगामा वंगामा करते हैं और एक दो बारी हम लोगों ने करा भी ऐसा सीन, तो वहाँ पे काफ़ी बार कई लोगों की लड़ाई भी हुई है, तो ऐसा सीन चलता रहा है। अभी की बात करें तो अभी तो उनकी कोई गाड़ी बिक भी नहीं रही है, मैंने एक बारी अपने फ्रेंड जो वहाँ पे वर्क करता उससे पता करा था, तो वहाँ पे कोई अभी इस गाड़ी की कोई सेल सुल कुछ नहीं हो रही है क्योंकि गाड़ी डब्बा है यार, कौन खरीदेगा यार इतनी झंड गाड़ी को। हकीकत मैंने आपको बता दी है ये चाइना से आती है, चाइनीज बिल्कुल चाइनीज मटेरियल यार, बहुत ही बेकार क्वालिटी का मटेरियल और बहुत महंगे में आपको बेचा जा रहा है, तो आप सावधान हो जाइए और सतर्क हो जाइए, आपको सब कुछ बता ही दिया। तो दोस्तों ये तो वीडियो में अभी तक आपने देख लिया, मैंने बता दिया आपको सब कुछ UM Renegade Commando के बारे में। अब ये बाइक 350 नाम से बिकती है पर 350cc का इंजन भी नहीं है, इसकी हॉर्स पावर से लेकर हर एक चीज जो बहुत बेकार है, जो चीज लिख ली वो कुछ भी नहीं है यार, मैं आपको क्लियर चीज आपको बता दूं, बहुत बेकार बाइक है, हर एक चीज बेकार है इसकी, पछताओगे मींस अपने जितने भी ग्रुप के बंदे हैं सब पछता रहे हैं यहाँ पे, जो भी बंदा इसने बाइक ली हर कोई बेच ही रहा है उस बाइक को, हर बंदा उसको बेच रहा है, तो समझ जाओ क्यों वो उस बाइक को बेचना चाहता है। और अभी तो इनकी जो सेल वैल्यू है ना, सेलिंग जो इनकी गिर चुकी है, उसकी रीसेल वैल्यू भी कुछ नहीं मिलने वाली, इसलिए बोल रहा हूँ कि मत खरीदना। तो दोस्तों ये तो अभी तक आपने वीडियो में दिखाया, मैंने आपको सारे जो प्रूफ मेरे पास पड़े हुए थे, जितनी वीडियो रिकॉर्डिंग जो कुछ भी मेरे पास था वो सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि UM Renegade Commando मत लो वरना आप बहुत पछताओगे जैसे मैं पछताया हूँ। तो आपको वीडियो में सब कुछ बता दिया, फिर भी आपकी कोई इच्छा होगी या कोई भी डाउट होगा आपके अंदर अभी भी इस बाइक को लेकर, तो मुझे कमेंट के जरिए जरूर पूछना। और वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि कोई भी प्लान कर रहा हो इस बाइक को लेने का तो उसको पता चल पाए कि ये बाइक कितनी घटिया है यहाँ पे, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी जगहों में मैं आगे आता रहूँगा और आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा, तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि मैंने थंडरबर्ड 350 क्यों ली है, उसके पीछे रीज़न क्या है और क्या अच्छी बात है मुझे थंडरबर्ड 350 में लगी है। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, विल सी यू सून।